सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन 412 मेगावाट के 400 आंदोलनरत मजदूरों के पिछले 60 दिन से चल रहे आंदोलन के समर्थन में C2 से संबद्ध शिमला शहर की यूनियनों ने DC ऑफिस से शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। C2 ने ऐलान किया कि अगर शिमला स्थित SJVNL मुख्यालय में बैठे अधिकारियों ने इन मांगों के समाधान के लिए तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया तो जल्द ही C2 शिमला में मुख्य प्रबंधन निदेशक का घिराव करेगी। C2 प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि 412 मेगावाट बिजली परियोजना में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा श्रम कानूनों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परियोजना में कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार कार्य की प्रकृति के अनुसार मजदूरों को अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है ताकि उनके श्रेणी के अनुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाए। 412 मेगावाट परियोजना में सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा मजदूरों से कुशल श्रेणी का काम करवाया जाता है लेकिन अर्धकुशल मजदूरों का कम वेतन इन्हें दिया जा रहा है। रामपुर में जो 412 मेगावाट बिजली परियोजना है उसके मजदूर पिछले 60 दिन से लगातार उनके समर्थन में इस प्रदर्शन को कर रहे हैं और इस प्रदर्शन को शिमला में करने का मकसद असल ये है क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 412 मेगावाट का जो परियोजना है और 1500 मेगावाट की जो नाथवा झाकड़ी की परियोजना है और लुहरी को जो परियोजना है और अभी जो सुन्नी में भी काम चल रहा है सुन्नी की जो परियोजना है ये सारी परियोजनाओं में जो मुख्य नियुक्ता है वो सतलुज जल विद्युत निगम है SJVN है। आप सबको मालूम है एक मिनी नवरत्ना है पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है और पिछले साल भी 3200 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था इस कंपनी ने लेकिन जो वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं उन मजदूरों को ये कंपनी कोई भी सुविधा नहीं देती है। मजदूरों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा है जो ठेकेदार इस कंपनी ने रखे हैं अपने माध्यम से वो ठेकेदार जो है आए दिन श्रम कानूनों की अवहेलना करते हैं और जो हिंदुस्तान का हमारे देश का जो कानून है 1948 का न्यूनतम वेतन का कानून उसकी सरेआम धज्जियाँ उड़ाते हैं। वहाँ पर ना केवल न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है बल्कि हम ये मांग कर रहे हैं कि जो श्रेणी है मजदूरों की उसके अनुसार जो उनकी नियुक्ति हो जो नियुक्ति दी गई है वो अर्ध कुशल की है और काम दिया जाता है कुशल का तो वेतन में काफ़ी ज़्यादा अंतर रहता है। दूसरी बात जो उनके बीमा का प्रश्न है उनके लिए गाड़ियों का प्रश्न है उनके लिए ड्रेस का प्रश्न है उनके लिए दुहाई भत्ता का प्रश्न है और जितने भी देश के अंदर श्रम कानून हैं उन कानूनों को लागू करने का प्रश्न है। तो पिछले साल नवंबर के महीने में एक समझौता जो है उस वक्त 1500 मेगावाट के प्रबंधन के साथ भी और 412 मेगावाट के प्रबंधन के साथ भी हुआ था और उसमें ये माना गया था SJVN के द्वारा और ठेकेदारों के द्वारा कि मजदूरों को जो है ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी श्रम कानून लागू किए जाएंगे लेकिन आज 8 महीना बीतने के बाद भी हम देखते हैं कि कोई भी कानून जो वहाँ लागू नहीं किया जा रहा जब